दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपका डिमांड था कि भैया आप जो रोस्टर से खेल रहे हो ना उसमें मज़ा नहीं आ रहा। कुछ दमदार प्लेयर्स ने लाइक दैट ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंज, ड्रू मैकइंटायर, एयर जैसे सुपरस्टार, उसके बाद सेथ रॉलिंस जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार जो अभी के डेट में है, रियली बात है मेरे पास नहीं थे यार, लेकिन हम सब काफ़ी दूर तक चले गए, 9वें हफ्ते तक चले गए थे और नंबर वन ब्रांड भी बने थे। बट दोस्तों आप सबका डिमांड हमारे सराखों पर मैच बुक करने में जो है ना मज़ा नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ कि मेरे पास उतने दमदार सुपरस्टार्स थे नहीं, जॉन सीना ही एक थे और वो भी इंजर्ड हो जा रहे, तो किस किस के बीच में मैं राइवलरी करूँगा, क्या करूँगा। मैं सोचा क्यों नहीं फिर से हम ड्राफ्ट करते हैं और फिर से एक बार अच्छे प्लेयर्स को हम लेते हैं, लाइक दैट रोमन रेंज जैसे प्लेयर्स जो हमारे पास आ जाए। तो हमने यहाँ पर ड्राफ्ट को यहाँ पर रखा है दोस्तों, और हम नॉर्मली स्मैकडाउन स्टेफनी के साथ है, रॉ और शेन मैकमैन हमारा अपोजिट रहेगा। और चलिए ड्राफ्ट को स्टार्ट करते हैं। हम जो है इस बार पूरी तरह से, अगर हम कहें तो भैया हमें जो है सोच समझ के चलना है, और मैं सोच रहा हूँ पहले हफ्ते से ही नंबर वन बनने वाला हूँ मैं। तो पहला हमारा पिक रहेगा वन एंड ओनली रोमन रेंज, जो हमारा पूरी तरह से फेवरेट है, ठीक है। या तो ब्रॉक लेंगे ये या बैकी लेच लेंगे। ओ माय गॉड यार, मैं ब्रॉक को ले रहा था कि ब्रॉक लेजना और रोमन रेंज का अगर हम राइवलरी करते, दुश्मनी करते तो काफ़ी मज़ा आता। तो भैया मैं ड्रू मैकइंटायर को मैं लेने वाला हूँ, ड्रू मैकइंटायर को मैं लेने वाला हूँ। चलो हाँ चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। बैकी लिच भी हमारे ब्रांड से आएगी, शासा बैक्स गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हमारा जो है अगला टारगेट रहेगा स्पेशलिस्ट इर्ज, हाँ जी, फिन बैलर को भी हम ले सकते थे, कोई बात नहीं। सेथ रॉलिंस बिल्कुल। अब जो है मुझे थोड़ा सा सोच समझ के बजट यूज करना है, क्योंकि हमारे पास अब 14,75,000 बच चुके हैं। तो अब हम थोड़ा सा देख के लेंगे। पहले तो मैं दोस्तों अगर बात करूं तो किसको लूं, सार्लेट फ्लेयर, क्योंकि बैकी लिच और सार्लेट फ्लेयर का बहुत ही अच्छा यहां पर जो है दुश्मनी चल सकता है। चलो भाई पहले रैंडी ऑर्टन को लेने दो मुझे, मेरा हालांकि अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहां पर जो है रैंडी ऑर्टन का पार्टनर नहीं है यार, ब्रूजर में ही सब सुपरस्टार। देखो यार जितने भी ब्रूजर ही मेरे पास भर चुके हैं और सिर्फ 10,00,000 बचे हुए हैं। अब जो है थोड़ा सा सोच समझ के जिमी उसू, जी उसू, मेरा पूरा दिल कर रहा लेने का यार, लेकिन हमारे पास बजट नहीं है। चलो एमवीपी को ले लेते हैं, सोजी, नट्रालिया, लाना, इन सबको मैं लास्ट में लेने वाला हूँ। एक और मैं ले लेता हूँ बॉबी लैशली को, मेरे पास इस बार पैसे की ही कमी पड़ गई है दोस्तों, सिर्फ 8,36,000 है बॉबी लैशली यार, क्योंकि तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है यार, क्या कर सकता हूँ। ये यार अगर मैं बात करूँ तो रॉ जो है ना बहुत सोच समझ के यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं। चलो अब मैं यहाँ पर कैलिस्टो, क्योंकि तो मुझे क्रूज़र चाहिए। कैलिस्टो का पार्टनर किधर है भाई, कैलिस्टो का पार्टनर है ना, ये दो आ गया। अब मुझे जायंट चाहिए, जायंट चाहिए, तो भैया हम, अरे यार एरिक है, एरिक का पार्टनर कहाँ गया, एरिक के पार्टनर को लग रहा ले लिया गया है। हाँ ये ठीक है, 1,00,000 यार मेरे पास बजट ही नहीं बचे दोस्तों, मैंने अच्छे अच्छे सुपरस्टार को भरने के चक्कर में मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। ओ माय गॉड, इस बार भी मैं बुरी तरह से फंसा हूँ, बहुत बुरी तरह से फंसा हूँ। अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स को लेने के चक्कर में मैं बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका हूँ। अब मेरे पास जो है अगर मैं बात कहूँ तो यार इथली जायंट्स में आप देख सकते हो ये कुछ जायंट्स हैं, या रिपली यार, ये तो गड़बड़ हो गया। तो जी एक कोई सुपरस्टार को मैं ले सकता हूँ,
रिया रिपली, लेकिन बजट मेरा बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। और बहुत ही अच्छे से रॉ ने यहाँ पर ड्राफ्ट को लिया है, चलो नटालिया को ले लेता हूँ। बहुत ही अच्छे से मुझे रेल दिया गया है, बहुत ही अच्छे से मुझे रेल दिया गया है। फाइटर्स लूंगा यार। अब यहाँ पर डेमियन प्रिस्ट, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं है। चलो मैं यहाँ पर एंड करता हूँ ड्राफ्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा ड्राफ्ट है, और मैं थोड़ा सा तगड़े तगड़े सुपरस्टार के चक्कर में ना नॉर्मल सुपरस्टार नहीं लिया। आप देख सकते हो यार, रोमन रेंज, ड्रू मैकइंटायर, एज, रैंडी ऑर्टन, सेथ रॉलिंस, बॉबी लैशली, बैकी लिच, टार्लेट फिलियर। ओ माय गॉड, इस बार हमारा रोस्टर दमदार है, लेकिन ज़्यादा मैं ले नहीं पाया यार। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं पेली को लिया भाई। ये तो बहुत अच्छा सोच समझ के ले रहा था रॉ। हाँ बिल्कुल, इसके पास भर भर के सुपरस्टार होने वाला है। मेरे पास ही सुपरस्टार्स की थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन तगड़े सुपरस्टार होंगे। लेकिन यार ये देख सकते हो दोस्तों, मैंने जो लिया है रोमन रेंज, ड्रू मैकइंटायर, बैकी लिच, एज, टार्लेट फिलियर, बॉबी लैशली, सेथ रॉलिंस, रैंडी ऑर्टन, डेमियन प्रिस्ट MVP, नटालिया कैलिस्टो और ग्रेन मैट्रिक, जो कि उसके पार्टनर है दोनों। और यहाँ पर मेरे अपोजिट में देखा जाए तो ब्रॉक लेसनर, शासा बैंक, बिगी, किंग नाकामोरा, बेली, बेली के बाद शेमस है, ट्रेलर ब्रीज है, पांडागो, रिद्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर डेलिन काई, कुछ जो है टमीना है, मैनरी रोस है, टोनी स्ट्रोम है, टाइटस ओनियल है। तो यहाँ पर जो है ना, इन्होंने कॉम्बिनेशन लगाया है, कॉम्बिनेशन अच्छा किया है। फाइटर, ब्रूजर, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पर काफ़ी तगड़े तगड़े सुपरस्टार से चक्कर में अपने पूरे बजट का ढिल्ला कर दिया। तो भैया यहाँ पर आ चुका है HHH का यहाँ पर मैसेज, टू नाइट इज़ द नाइट द डेब्यू शो। ओके भाई, ये सब चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। रखो यार, $71,600 हमारे पास है। और चलो भाई, हमारा बॉबी लैशली भी काफ़ी खुश है। चलो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर अपने चैंपियंस को चूज़ करते हैं और बनाते हैं चैम्प। तो ऑब्वियस बात है, आपको पता ही होगा मैं किसको बनाने वाला हूँ। यूनिवर्सल चैंपियन पता ही होगा मैं किसको बनाने वाला हूँ। बिल्कुल भाई, अपना रोमन रेंज को मैं बनाने वाला हूँ चैंपियन। अब इसका जो है दुश्मनी मैं ड्रू मैकइंटायर से कर सकता हूँ, एज से कर सकता हूँ, बॉबी लैशली, सेथ रॉलिंस, रैंडी ऑर्टन। तो ये चीज़ है कि चैंपियन का जो है ना टक्कर लेवल का आ गया। और इस ये चैंपियन कौन रहेगी वो भी आपको पता ही है, दोनों ही टॉप लेवल की सुपरस्टार जो है वो मेरे पास ही है। और इसके साथ शार्लेट और नटालिया ठीक है, स्टार्टिंग के लिए ठीक रहेगा, बाकी नेक्स्ट एपिसोड से तो भाई हम देखेंगे ही। हमारे पास बहुत कम बजट है। फ्री एजेंट्स के अंदर देखते हैं, कॉफ़ी किंगस्टन है, न्यू डे के मेंबर्स, लेकिन हमारे पास बी तो है नहीं। मुस्तफ़ा अली है, जिंदर महाल है, शोंजी है, मंसूर अली है, ठीक है। 50 हफ्ते का है तो परमानेंट ही बाय करने में बेनिफिट है। वैसे कुछ कुछ प्लेयर्स को मैं वीकली भी लूँगा। लेजेंड्स के अंदर क्या है भाई, तो द रॉक भी है, लास्ट मैच ऑब्वियसली बात है, द रॉक को, गोल्डबर्ग को, सबको हमने बाय कर लिया था और मैच भी किया था, काफ़ी मज़ा आया था, आप सबका काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिला दोस्तों। खैर चलो यार, फिर से स्टार्ट करेंगे और एक नया इतिहास रचने वाले हैं हम इसके अंदर, और बीच करने वाले हैं हम फिर से रॉ को, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टार्टिंग से, फर्स्ट वीक से। तब तक के लिए गुड बाय। और कैसा लगा ये ड्राफ्ट जरूर कमेंट करके बताना, और ये ड्राफ्ट आपको दमदार लगा या लास्ट वाला ड्राफ्ट हमारा दमदार था ये भी कमेंट करके बताना। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू लेटर अगेन।